आप सभी को प्रणाम और बोले विभा में आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मैं विभा रानी और आज मैं आपसे कुछ बतियाने आई हूँ, आपके मन की बात जानने आई हूँ। लेकिन इसके पहले, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो झट से चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और हाँ, अपने मन की बात अगर आपको लगता है कि किसी विषय पर मैं बोल सकती हूँ और वो अगर मेरी कैपेसिटी में हुआ तो मुझे ज़रूर बताइए, कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उस पर ज़रूर बोलना पसंद करूँगी। और आज मैं आपसे बात करने आई हूँ, कुछ चीज़ें आपसे साझा करने आई हूँ। देखिए, यहाँ मैं आती हूँ, हर दिन मैं अपनी बात बोलती हूँ, कभी थिएटर पर बोलती हूँ, कभी समाज के अलग अलग मसलों पर बोलती हूँ, कभी अपने यहाँ के, मिथिला की हूँ तो अपने यहाँ के खान पान पर बोलती हूँ, अपने यहाँ के पर्व त्यौहार पर बोलती हूँ। मतलब मैं बोलती हूँ, नाम ही है बोले विभा तो मैं बोलती हूँ, तो बोलती हूँ। लेकिन इस बार मैं चाह रही हूँ कि आप बोलें। जी हाँ, मैं आपके लिए एक स्कीम लेकर के आ रही हूँ और वह स्कीम यह है कि मेरे पड़ोसी, हम सभी सामाजिक प्राणी हैं, हम सभी कहीं ना कहीं रहते हैं, और जब रहते हैं तो हमारे अड़ोस पड़ोस में, हमारे अगल बगल में हमारे पड़ोसी तो रहते ही हैं। अब उन पड़ोसी के साथ हम कैसे हैं, वो हमारे साथ कैसे हैं, हमारे उनके साथ रिश्ते कैसे हैं, खट्टे हैं, मीठे हैं, खट मीठे हैं, कड़वे हैं, तीखे हैं, जो भी हैं, जैसे भी हैं। आप अपने पड़ोसी के बारे में, क्योंकि उनके बगैर हम रह नहीं सकते, हम चाहें तो भी हमें मिलेंगे पड़ोसी, ना चाहें तो भी हमें मिलेंगे पड़ोसी, ठीक है ना। तो आप सिर्फ ये कीजिए कि आप अपने किस पड़ोसी के बारे में लिखना चाहते हैं। आप 500 से 1000 शब्द के बीच में, चलिए छोटा लग रहा है, ठीक है, आप ज्यादा लंबा लिखना चाह रहे हैं तो चलिए, ग्रांटेड, आप भी क्या याद करेंगे कि किससे पाला पड़ा है, 1500 शब्द। तो 1500 शब्दों के बीच में आप अपने अनुभव हमें लिखिए, आपके अनुभव आपके ऊपर है, क्योंकि ये नजरिया हम अपने पड़ोसी को कैसे देखते हैं ये हमारे ऊपर भी निर्भर करता है। तो आप अपने पड़ोसी के ऊपर लिखें अंडर द टाइटल ऑफ मेरे पड़ोसी। मेरे पड़ोसी के तहत आप 1500 शब्दों के भीतर अपनी बात लिखें, अपने अनुभव लिखें और उसे हमारे पास भेज दें। डिस्क्रिप्शन में हमारा मेल आईडी है, अगर आप चाहें तो हमें, मैं मैसेंजर पर, फेसबुक मैसेंजर पर हूँ, वहाँ भी आप हमें भेज सकते हैं, लेकिन डिस्क्रिप्शन में मेरा मेल आईडी है avitokobooks@gmail.com। आप उस पर हमें 31 जनवरी तक भेज दीजिए ताकि नए साल में हम आपके लिखने की कला से वाकिफ हो सकें। और उसके बाद क्या करना है पता है, आप तो लिख करके हमें भेज करके बस ही निश्चिंत हो जाइए, हम उन सारे लेखों को देखेंगे, हमारी जो टीम है जो निर्णायक रहेंगे, इसमें से बेस्ट 5 आर्टिकल को, 5 सर्वोत्तम मेरे पड़ोसी को चुनेंगे और उन्हें सम्मानित करेंगे। इसके अलावा और भी जितने भी अच्छे आर्टिकल रहेंगे उन सभी आर्टिकल को कलेक्ट करके एक किताब की शक्ल देने की हमारी कोशिश रहेगी, चाहे वो किताब ऑनलाइन आए या वो किताब छप करके आए पुस्तक के रूप में, लेकिन वो कहीं ना कहीं से ऑनलाइन या ऑफलाइन वो आएगी। ऑनलाइन और ऑफलाइन का मतलब कि वो किताब के रूप में आएगी। तो आपसे बस यही एक के बात कहने के लिए आज मैं आई हूँ, और किसी भी तरह की कोई दिक्कत हो, कोई मन में सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिख करके पूछें, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम सारी दुनिया से, जिनसे हमारा कोई वास्ता नहीं रहता है, हम सिनेमा पे बात करते हैं, हम देश पे बात करते हैं, हम राजनीति पे बात करते हैं, हम अलाने पे बात करते हैं, हम फलाने पे बात करते हैं,
उन लोगों से जिनसे हमारा कोई नाता रिश्ता नहीं रहता, उनमें से कोई हमें नहीं पहचानता, हम उनमें से किसी को नहीं पहचानते। पहचानने का मतलब ये है कि हाँ भाई ये बड़े रसूख वाले व्यक्ति हैं तो हम तो पहचानते हैं, लेकिन वो हमें नहीं पहचानते। हमारे सुख दुख से उन्हें कोई लेना देना नहीं है, उनके सुख दुख से हम दुखी और सुखी तो हो सकते हैं, लेकिन उसके आगे और कुछ नहीं है, सब बस एक फीलिंग है। लेकिन हमारा पड़ोसी, हमारे नाते रिश्तेदार किसी भी संकट में बाद में आएंगे, हमारे हित मित्र किसी भी मुसीबत में बाद में आएंगे। सबसे पहले काम कौन आता है? हमारा पड़ोसी। तो अपने आसपास को जानिए, अपने आसपास को महसूस कीजिए, अपने आसपास को देखिए, और देख करके, समझ करके, आप लिख करके हमें भेजिए मेरे पड़ोसी प्रतियोगिता। देखें आप और आपके पड़ोसी दोनों कितने हैं। भाषा हिंदी हो, और जॉनर आप कोई भी ले सकते हैं, आप सटायरिकल भी लिख सकते हैं या आप सीरियस उसमें भी लिख सकते हैं। फिलहाल गद्य में ही लिखें, कविता ना बनाएं। कविता के लिए हम जब बाद में फिर कभी कुछ और शुरू सोचेंगे तो हम उसके लिए हम आपके आपसे मुखातिब होंगे। अभी तो आप मुझे मेरे पड़ोसी प्रतियोगिता गद्य में हिंदी भाषा में 1500 शब्दों के भीतर लिख करके 31 जनवरी तक आप मुझे भेज दें। 31 जनवरी 2021, नहीं तो फिर कोई इसमें से पोल देगा कि है भाई 31 जनवरी कौन सा, 2021 या 2022 या 2025। नहीं जी, नया साल आने वाला है, 31 जनवरी 2021 तक आप हमें भेज दें। पता हमारा मेल आईडी हमारे इसके डिस्क्रिप्शन में है, फिर भी मैं आपको बोल देती हूँ, avitokobooks@gmail.com, AVITOKOBOOKS, avitokobooks@gmail.com। तो बस हम आपके पड़ोसियों का इंतज़ार कर रहे हैं आपकी लेखनी के साथ। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और मुझे लगता है कि मेरा बस चले तो मैं हर व्यक्ति को राइटर बना दूँ, हर व्यक्ति को एक्टर बना दूँ। और अब तक सोलो के माध्यम से तो हम आपको एक्टर बनाने की कोशिश कर ही रहे हैं, आज इस कंपटीशन के माध्यम से हम चाह रहे हैं कि आप कुछ लिखने की कोशिश करें, लिखें और हमें भेज दें कि आपके पड़ोसी कैसे हैं। तो चलिए हम आपके लेखों का इंतज़ार करते हैं, आपकी प्रविष्टि का इंतज़ार करते हैं, और तब तक के लिए ढेर सारी बधाइयाँ आपको, ढेर सारी शुभकामनाएँ। और अब आप अपने पड़ोसी की ओर देखिए, सोचिए और लिख करके हमें भेजिए। नमस्ते, प्रणाम, अपना ख्याल रखिएगा, क्योंकि आप हैं तो हम हैं। जी हाँ।